जाते हैं बरसात के सीजन में, कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई, पहचान पहचान नहीं हो पाई बीजेपी, पहचान पहचान करने में कहीं वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे को समझ ले कि पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा है अभी और टूटेंगे, अभी और वोटिंग होगी, ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाए तभी कोई खतरा नहीं। आपका दावा तीनों प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? एक से दो वोट मिल चुके हैं, एक से दो वोट नहीं आया। समाजवादी पार्टी नहीं आया क्या? क्या समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? भोजन कल शाम का नहीं, नहीं विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। और आइए बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं वरिष्ठ नेता रेवती रमन। 7 बार विधायक और 3 बार सांसद रहे हैं कुंवर रेवती रमन सिंह, जिनके अब छोड़ने की विधायकी खबरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने पहले रेवती रमन सिंह को महासचिव पद से हटाया और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। ये एक बड़ी नाराजगी आप कह सकते हैं इनकी। इलाहाबाद लोकसभा सीट समझौते में कांग्रेस के लिए छोड़े जाने से रेवती रमन नाराज हैं। कैंडिडेट का जीतना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। करप्शन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक और बड़ा झटका आप कहिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि खबरें आ रही हैं चैन के वरिष्ठ नेता हैं रेवती रमन, वो जो कि 7 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रहे हैं रेवती रमन, जो कि अब समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ा झटका छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।